वेलकम टू गियर अप। मैं हूं आपका होस्ट सुवासित। ह्यूंडई ने जब पहली बार भारत में कदम रखा था, उस दौर में भारतीय ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पर मारुति सुजुकी का कब्जा था, लेकिन अपनी बेहतरीन क्वालिटी और डिजाइन की बदौलत ह्यूंडई ने भारत में अपनी एक अलग पहचान बनाई। आज गियर अप के एपिसोड में हम जो कार आपके लिए लेकर आए हैं, उसके नेक्स्ट जनरेशन मॉडल को हाल ही में लॉन्च किया गया है और उस कार ने अब तक 26 अवार्ड जीते हैं। अब जब इस कार ने 26 अवार्ड जीते हैं तो जाहिर है इस कार में कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होगा। तो हम आपके लिए लेकर आए हैं नेक्स्ट जनरेशन ह्यूंडई वर्ना और आज हम इस कार को ड्राइव करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि कंपनी ने इस कार में क्या खास दिया है। मेरे पास जो ये ह्यूंडई वर्ना खड़ी है, इसमें 1.6 लीटर VTVT पेट्रोल इंजन लगा है। सबसे पहले नजर डालते हैं इस कार के फ्रंट प्रोफाइल पर। पहली नजर में आपको इस कार में इलेंट्रा की झलक दिखेगी, क्योंकि इस कार को उसी प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया है जिस पर ह्यूंडई इलेंट्रा को भी तैयार किया जाता है। इस कार में कई ऐसे डिजाइन एलिमेंट्स हैं जो इलेंट्रा से मेल खाते हैं। फ्रंट प्रोफाइल पर नजर डालें तो यहाँ मल्टी स्लैट ग्रिल और सिंगल स्लैट क्रोम बार लगाया गया है। यहाँ हनीकॉम पैटर्न ग्रिल लगा है, साथ ही इसमें प्रोजेक्टर हेडलैम्प, डे टाइम रनिंग लाइट और फॉग लैम्प लगाया गया है। कार के फ्रंट में क्रोम का भी अच्छा इस्तेमाल किया गया है, जो काफी बैलेंस लगता है। पिछले मॉडल की तुलना में कार का यह हिस्सा ज्यादा फ्रेश, बोल्ड और अप मार्केट नजर आता है। नेक्स्ट जनरेशन ह्यूंडई वर्ना की साइड प्रोफाइल में भी थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं, जो इसके लुक को इनहेंस करता है। कार की रूफ लाइन अपीलिंग है और आपको पसंद आएगी। इसके अलावा 16 इंच डायमंड कट एलॉय व्हील कार की खूबसूरती को बढ़ा देते हैं। अब आइए एक नजर डालते हैं कार की रियर प्रोफाइल पर। यहाँ भी कंपनी ने कई बदलाव किए हैं। यहाँ LED स्प्लिट टेल लैंप लगा है, साथ ही नई वर्ना के रियर को थोड़ा कर्वी और एजी बनाया गया है, जो दिखने में काफी अच्छा लगता है। ह्यूंडई वर्ना के नेक्स्ट जनरेशन मॉडल का इंटीरियर डार्क ग्रे और बीज कलर कॉम्बिनेशन में है। यहाँ इस्तेमाल की गई प्लास्टिक की क्वालिटी अच्छी है और पिछले मॉडल की तुलना में काफी बेहतर है। कार के टॉप एंड मॉडल में आपको 7 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा, जिसमें एप्पल कार प्ले, एंड्रॉयड ऑटो और मिरर लिंक सपोर्ट दिया गया है। कार का स्टीयरिंग होल्ड करने में काफी अच्छा है और ये आपको कॉन्फिडेंस देगा। यहाँ आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल मिलेगा, जिससे आप इंफोटेनमेंट सिस्टम और क्रूज कंट्रोल जैसी चीजों को एक्सेस कर सकते हैं। कार में लगा इंफोटेनमेंट सिस्टम इजी टू हैंडल है। इसके साथ लगाए गए स्पीकर्स की क्वालिटी भी काफी अच्छी है। सेफ्टी फीचर्स की बात की जाए तो नेक्स्ट जेन वर्ना में 6 एयरबैग, ABS, EBD और आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट जैसे फीचर्स दिए गए हैं। हालांकि इनमें से कुछ फीचर्स सिर्फ कार के पेट्रोल एंड वेरिएंट के साथ ही मिलेंगे। फीचर्स के मामले में ये अपनी राइवल्स को कड़ी टक्कर देती है। सीटिंग कंफर्ट के बारे में बात की जाए तो सबसे पहले कार में दिए गए एक सेगमेंट फर्स्ट फीचर के बारे में बताना जरूरी है। नेक्स्ट जेन वर्ना में वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स लगाए गए हैं, जो इस सेगमेंट की किसी भी दूसरी कार में नहीं है। कार के फ्रंट में लगे वेंटिलेटेड सीट्स लंबी दूरी की जर्नी के लिए आरामदायक है। नई वर्ना के टॉप एंड वेरिएंट में आपको लेदर सीट का ऑप्शन मिलेगा, जबकि नीचे के वेरिएंट्स में फैब्रिक सीट्स लगाए गए हैं। ये लेदर सीट काफी कंफर्टेबल है। फ्रंट सीट में अच्छा खासा लेग स्पेस, हेडरूम और थाई सपोर्ट दिया गया है, जबकि रियर सीट में भी इन सारी चीजों को अच्छे से मैनेज किया गया है। हालांकि अगर आपकी हाइट ज्यादा है तो रियर सीट में आपको हेडरूम थोड़ा कम लग सकता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट जेन वर्ना के परफॉर्मेंस की। यहाँ ये जरूर कहना होगा कि कंपनी ने कार के परफॉर्मेंस में काफी सुधार करने की कोशिश की है। हमने जो कार ड्राइव की उसमें 1.6 लीटर VTVT पेट्रोल इंजन लगा है। यह इंजन पिछले मॉडल में भी इस्तेमाल किया जाता था। यह इंजन 121 BHP का पावर और करीब 151 न्यूटन मीटर का टॉर्क देता है। यह अपने सेगमेंट की सबसे पावरफुल पेट्रोल कार है। नेक्स्ट जेन ह्यूंडई वर्ना को नए प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है, जिसकी वजह से इसका परफॉर्मेंस पहले से बेहतर हो गया है। ये कार 1.6 लीटर डीजल, 1.6 लीटर पेट्रोल और 1.4 लीटर पेट्रोल इंजन ऑप्शन के साथ उपलब्ध है। हमने इस बार 1.6 लीटर पेट्रोल वर्जन को ड्राइव किया, जो डीजल वर्जन की तुलना में थोड़ी वीक लगती है। कार के डीजल इंजन का परफॉर्मेंस पेट्रोल की तुलना में थोड़ा बेहतर जरूर है। वर्ना के पेट्रोल वर्जन का पिकअप काफी अच्छा है। ये इंजन स्मूथ और पेपी है और इसका रिस्पॉन्स भी काफी अच्छा है।
कंपनी के दावों के मुताबिक 1.6 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ ये कार 17.70 kmpl का माइलेज देती है। हालांकि एक्चुअल ड्राइविंग कंडीशन में यह आंकड़ा कम हो जाता है। कार की स्टीयरिंग का फीडबैक भी पिछले मॉडल की तुलना में काफी बेहतर हो चुका है। नेक्स्ट जेन वर्ना के सस्पेंशन पर भी अच्छा काम किया गया है और ये पहले से ज्यादा इम्प्रूव्ड है। हाई स्पीड स्टेबिलिटी में भी काफी इम्प्रूवमेंट किया गया है। बॉडी रोल को भी कम करने के लिए कंपनी ने अच्छा काम किया है। कुल मिलाकर कहें तो ये कार काफी स्टेबल है। ह्यूंडई वर्ना का सीधा मुकाबला मारुति सुजुकी सियाज और होंडा सिटी से है। ह्यूंडई वर्ना की दिल्ली में ऑन रोड कीमत 8,76,000 रुपए से लेकर 15,19,000 रुपए के बीच है। ह्यूंडई वर्ना लुक, फीचर्स और परफॉर्मेंस के हिसाब से अपने राइवल्स को कड़ी टक्कर देती है। प्राइस पॉइंट के हिसाब से देखा जाए तो इस कार में आपको कई ऐसे फीचर्स मिलेंगे जो महंगी कारों में आते हैं। इस लिहाज से आपको ये कार पसंद आएगी। गियर अप का ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगले एपिसोड तक के लिए गुड बाय एंड ड्राइव सेफ।